हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। विंटर सीजन में हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्राइनेस की, टैंड स्किन और फेस बहुत ज़्यादा डल फील होता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आप घर बैठे किस तरीके से पार्लर जैसा फेशियल पा सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल 5 स्टेप्स के अंदर ही। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने अपने Amazon हॉल वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने Amazon से एक फेशियल किट को परचेस किया है एंड उस फेशियल किट को आज मैं आप लोगों के साथ इस्तेमाल करूंगी एंड अपना रिव्यू भी शेयर करूंगी। ये है स्किन क्यू ब्यूटी बॉक्स एक्टिव फेशियल्स एट होम। इसमें 5 सिंपल स्टेप्स है, पाउच फॉर्म में आता है, बहुत कन्वीनियंट है, ट्रैवलिंग के वक्त भी आप ले जा सकते हैं एंड ये जो पाउचेस है इसकी क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है, आराम से 2 लोगों की फेशियल हो जाएगी। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। ऑल्सो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा सनस्क्रीन है जिसे आप ओवर द सीजन, मतलब विंटर सीजन, समर सीजन, हर टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है स्किन क्यू सन प्रोटेक्ट जेल। ये एक्चुअली सन प्रोटेक्ट जेल है, लेकिन ये बहुत ईजिली स्किन पर अब्सॉर्ब हो जाता है। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी लाइट वेट है एंड आप लोग देख सकते हैं इतना कम क्वांटिटी में चाहिए एंड इंस्टेंटली कोई वाइट कास्ट भी ये नहीं छोड़ता, इंस्टेंटली ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। उसी वजह से मुझे ये इतना पसंद है, क्योंकि बहुत सारे सनस्क्रीन्स वेल नोन ब्रांड्स के मैंने इस्तेमाल किए हैं, हाई एंड सनस्क्रीन्स भी इस्तेमाल किया है, बट थोड़ा वाइट कास्ट छोड़ता ही है। मैं अपनी कई वीडियोज़ में भी शेयर करती हूँ कि वाइट कास्ट जनरली सनस्क्रीन्स छोड़ता है, बट सरप्राइजिंगली इस सनस्क्रीन को इस्तेमाल करके कोई वाइट कास्ट ये नहीं छोड़ता। ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एकदम जेल टाइप्स है, तो ऑयलीनेस, पैचीनेस, ग्रीजीनेस कुछ भी नहीं आपको फील होगी। और ये जो सनस्क्रीन है, दिस इज़ परफेक्ट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, परफेक्ट फॉर ऑल सीजन्स, समर्स, विंटर, मॉनसून, रेनी सीजन। और इसमें आपको SPF 40 का प्रोटेक्शन मिलेगा विथ PA++। इसमें विटामिन सी है, सनस्क्रीन कॉम्प्लेक्स है, ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, सिलिकॉन फ्री है एंड पैराबेन फ्री है एंड डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। सो इसका जो क्वांटिटी है वो है 50 ml एंड इसका प्राइस है 1250, बट मुझे ये डिस्काउंटेड प्राइस में अमेजन पे मिल गया है। तो जो अमेजन का लिंक है परचेजिंग, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द फेशियल। फेशियल किट का पहला स्टेप होता है एक क्लेंजर, और इस फेशियल किट में पहला स्टेप है माइसेलर वाटर, जिससे आपके फेस से जो भी मेकअप रेसिड्यूज, आई शेडो, लिपस्टिक्स, इम्प्योरिटीज़ जो भी है सब कुछ रिमूव कर देगा। इसे थोड़ा सा मसाज करना है एंड उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। सेकेंड स्टेप है ये एक्सफोलिएटर, जो सुपरफिशियल टैन को रिमूव करता है, स्किन को ब्राइटन करता है। इसके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड है। इसको जस्ट आपको अपने फेस एंड नेक पर अप्लाई करके मसाज करना है सर्कुलर मोशंस में। 2 मिनट मसाज कीजिए आई एरिया को अवॉइड करके एंड देन लीव इट ऑन फॉर अराउंड 8 to 10 minutes एंड देन नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। थर्ड स्टेप है ये मसाज बटर, जिसके अंदर शिया बटर एंड कोको बटर जैसे इंग्रेडिएंट्स है, जो हीवीली मॉइस्चराइजिंग है, रिप्लेनिश करता है स्किन को, सूथ करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसे आपको 5 मिनट तक अपने फेस पर अपने फिंगर टिप्स से मसाज करना है। डू नॉट फॉरगेट योर नेक एंड जिस तरीके से मैं मसाज कर रही हूँ उसी तरीके से आपको अपवर्ड स्ट्रोक्स में मसाज करना है एंड इससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब तक ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है तब तक मसाज करना है। फोर्थ स्टेप इज दिस प्री मास्क सीरम, जिसके अंदर लिकरिश, विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड है, जो स्किन को ब्राइटन करता है, प्रोटेक्ट करता है एंड हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। जस्ट आपको इसे अपने फेस एंड नेक पर फिंगर टिप्स से सर्कुलर मोशंस में मसाज करना है जब तक ये अब्सॉर्ब हो ना जाए। अब्सॉर्ब होने के बाद इसे 10 मिनट ऐसा ही छोड़ दीजिए एंड फिर इसके ऊपर ही नेक्स्ट स्टेप होगा। लास्ट एंड जो फाइनल स्टेप है वो है शीट मास्क, जिसको आपको पहले एक क्लीन बाउल में 1 टीस्पून लेकर उसमें मिक्स करना है वाटर या फिर रोज वाटर एंड देन उस पेस्ट को अपने फेस एंड नेक पे इवनली अप्लाई करके 10 मिनट के लिए वैसा ही छोड़ना है। इसके अंदर है टर्मरिक, आंवला एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो स्किन को ब्राइटन करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड डिफेंड भी करता है। ये इजीली 10 मिनट के अंदर सूख जाएगा एंड सूखने के बाद ये आपको पील करना है, पानी से वॉश नहीं करना है। जस्ट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रही हूँ, आपको पील करना है।
इसके बाद मैंने अपने फेस पर सन प्रोटेक्ट जेल को अप्लाई किया था क्योंकि मैं डे टाइम में फेशियल कर रही थी इसी वजह से। एंड फेशियल के बाद आपको एक मॉइस्चराइज़र या फिर सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है। एंड यू ऑल कैन सी द रिज़ल्ट, माय फेस इज़ जस्ट ग्लोइंग, इतना क्लीन एंड इतना सॉफ्ट भी फील हो रहा था। सो डेफिनेटली आप इस फेशियल किट को महीने में दो बार ज़रूर ट्राई करें। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इस वीडियो से आप सबको हेल्प हुई है। सारे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया है। श्योर आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।